नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, मैं अभी जो आपके पास जो वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो है सिंपल कि आप पीएफ से संबंधित जो न्यूज़ है वो कैसे देखेंगे। तो आप गूगल क्रोम में जाएंगे और क्या टाइप करेंगे, पीएफ न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशंस, कुछ भी ऐसी करके आप समझ लेंगे, या इस तरीके से आप समझेंगे कि पीएफ न्यूज़ मतलब प्रोविडेंट फंड का न्यूज़, तो आपको वो न्यूज़ लेटेस्ट गूगल पे आ जाएगा। आज क्या है, खतरे में पीएफ का पैसा, तो क्या इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों, इसको जानकारी लेते हैं क्या बोल रहा है। पीएफ की मंजूरी 8.5%। तो आपको पीएफ से संबंधित अगर कुछ भी जानना होता है तो आप इस वेबसाइट पे आप अपना जानने की कोशिश पूरी पूरी कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ लिंक खोलूँगा, तो आज मैंने एक पढ़ा था पीएफ में कि आप कितने पीएफ की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये कैसे आप ले सकते हैं, तो मैं निकाल के रखूँगा। जैसे मैं अभी ब्राउज कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप ये समझिए कि आप जो भी न्यूज़ है, बट आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। ये देखिए, ये सारे पीएफ के न्यूज़ है। सबसे ज़्यादा अगर आपको न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ के लिए, तो सबसे अच्छा वे है उसका पीएफ न्यूज़ ट्विटर हैंडल। किसी चीज़ का ट्विटर हैंडल अगर आप समझ लीजिएगा, ट्विटर हैंडल, ट्विटर, पीएफ ट्विटर, TWITTR, ट्विटर हैंडल, ट्विटर अकाउंट, तो यहाँ पे भी इनकी पूरी पूरी अपडेट्स होती है। तो आज की जो अपडेट्स है, 3 दिन पहले की अपडेट्स है, ये देखिए 3 दिन पहले की अपडेट्स, यहाँ 3 दिन पहले। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया ये, ट्विटर का मेरा फॉलो खुल जाएगा दोस्तों, मेरे चैनल पे चला जाता है जब मैं किसी चीज़ को खोलता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि EFO नेवर आस्क फॉर पर्सनल डिटेल्स लाइक आधार, UAN, पैन, बैंक अकाउंट, ETC ओवर फोन, सोशल मीडिया और टू डिपॉजिट एनी अमाउंट इन द बैंक। मतलब कह रहा है कि श्रम मंत्रालय कभी भी किसी को भी कैसे भी आधार नंबर, UAN नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, या तो फोन पे या सोशल मीडिया या किसी भी कम्युनिकेशन के जरिए उनको नहीं मांगता है। मतलब अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, आधार कार्ड, पैन कार्ड, UAN नंबर या किसी तरह की जानकारी आप ऑनलाइन देते हैं, OTP भी शेयर करते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरी एक वीडियो आप देख सकते हैं कि आप OTP किसी को शेयर करके कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपके बैंक से पैसा निकल जाए, हो सकता है आपके लिए आप नहीं भी खरीद रहे हो और आपका सामान आपके लिए खरीदा जा सकता हो। तो ये सब साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है दोस्तों, एक वर्ड बहुत अच्छा है कि सामाजिक सुरक्षा। समाज में रहने के बाद हम अपने आप को समाज में ही कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, तो ये वर्ड भी आप सीख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं डिटेल्स तरह की इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा चैनल है, ये मेरा फोटो है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।